और जो है हम या पार्टी तो दुखी है। क्यों दुखी है? 5 साल में यहाँ विधायक जी एक दिन नहीं आए। जी 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 5 साल एक खरंजा ले। कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं है जो दुनिया भर के चैनल दिखा रहे हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं, ये राह चलते हुए लोगों से सीधे सपाट बयानी। क्या क्या पिछली बार बीजेपी दिया पर अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। यह सरकार ने परेशान कर दिए विकट। अच्छा, नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर विधानसभा के मुतैना गांव में हूं और ये मुतैना गांव जो है गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बॉर्डर पर गांव है और ये चौधरी बाहुल्य गांव है। इस गांव के तमाम युवा यहां फौज की तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, राह चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। गांव में कैसा रुझान है, किस प्रत्याशी को किस मुद्दे पर एक गांव के लोग वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, गांव में कैसी चुनाव की हवा चल रही है, सीधे इन युवाओं से बातचीत करते हैं। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? लखविंदर। लखविंदर, क्या कर रहे हो इसका है सड़क पर आजकल? आदमी तैयारी कर रही। अच्छा, आदमी तैयारी कर रही है, तो वोट है तुम्हारा, वोट डालोगे? तो किस क्या गांव में रुझान क्या, किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हो, क्यों देना चाह रहे? भैया हमारा तो आरएलडी की तरफ है। आरएलडी क्यों है आरएलडी की तरफ भाई? किसानों की पार्टी है। अच्छा, किसानों की पार्टी है। हाँ, और ये योगी जी ने और ये क्षेत्रीय विधायक ने क्या अच्छे काम? अरे क्षेत्रीय विधायक आज तक जहाँ कहीं ना आया है, हिम्मत ही ना जो यहाँ जा। अच्छा अच्छा, पूरा गाँव आरएलडी को वोट करेगा 90%? अच्छा अच्छा, और भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, तुम भी गाँव में तैनात करते हो, तुम भी फौज की तैयारी कर रहे हो जी, तो क्या गांव में कैसा कैसा रुझान है? सापा वोट आरएलडी के। अच्छा, सापा एक तरफा, एक तरफा वोट आरएलडी के। आरएलडी क्यों दे रहे हो? आरएलडी को वोट क्या है मामला? बीजेपी ने कराई क्या हमारे? 2 साल हो गए, रिश्ते में एक भी भर्ती देखी नहीं मिली, उम्र लिख गई। अच्छा, सड़क तोड़ते तोड़ते भर्ती नहीं देख पाई? नहीं, तो रोजगार नहीं मिला? नहीं, ये समस्या है। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? नाम लोकेश। लोकेश, तुम क्या, तुम भी तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं। तो क्या वोट तो है तुम्हारा? हाँ जी, वोट है। वोट डालते भी हो? हाँ जी, डाल के पिछली बार डाली, अब क्यों डालेंगे? अच्छा, अब पिछली बार किसको डाला था वोट? पिछली बार तो बीजेपी को डाला, पिछली बार बीजेपी। इस बार किसको डाल रहे हो वोट? जी जयंत दंगे जी। अच्छा, जयंत को क्यों दोगे? चौधरी है, जाट नेता है जयंत, और तुम भी जाट हो और एक गाँव तुम्हारा जाटों का, तो भैया जाट कुछ ना है जी, हमारा विधायक यहीं धोरे का ही है। अच्छा अच्छा, आज तक झाके ना? आज तक नहीं झाका। बीजेपी का सांसद है महेश शर्मा, वो भी झाके? वो भी नहीं झाका। तो बीजेपी से नाराज की? नाराज की। तो ये जो युवा है वही वोट बीजेपी को करेंगे कि गांव की महिलाएं बुजुर्ग हैं समझदार, वो भी बीजेपी को वोट करेंगे, आरएलडी को वोट करेंगे? 90% ज्यादातर आरएलडी। भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुषार चौधरी। तुषार, तुम्हारा वोट वोट है? वोट नहीं है। तो कैसा घर में कितने लोगों को वोट डालेंगे तुम्हारे? कितने बाबा मम्मी पापा? अच्छा, किस पार्टी को पिछली बार पहले वोट डाला? पिछली बार बीजेपी। इस बार किसको डाल? आरएलडी को। पक्का? पक्का। आरएलडी से कुछ लगता है तुम्हें रोजगार मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा? हमारी कोरोना। अच्छा अच्छा, कुछ कोरोना में जान बच गई, ये का क्या कम है? पढ़ाई खराब क्यों मान रहे हो? ये शहरों में तो कोरोना, यहाँ पर यहाँ कोरोना नहीं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? अंकित। अंकित, अंकित भाई क्या कर रहे हो, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने अंकित? 12वीं तक की। तो वोट वोट है तुम्हारा? हाँ जी। डालोगे वोट? पहली वोट डाला था? नहीं, पहली बार वोट डाला था। किसको डालोगे पहली बार? आरएलडी देंगे जी, खुल गए खुल गए भाई आरएलडी को। एक तरफा क्या आरएलडी में क्या है? एक युवा जी किसानन की है, हम किसान हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ आज तक बीजेपी का कोई विधायक ना, आज तक कोई सुविधा ना, तमाम खरंजा कुछ भी आज देख तक सकते हमारी हो। लेने सही नहीं हमारे और धोरे गांव में सब में खरंजा है। अच्छा, हमारे गांव में जो पुराने खरंजा वे ही हैं, आज तक कोई विकास नहीं है गांव में। अच्छा अच्छा, आज तक कुछ नहीं आए, यूं भी नहीं देखा कि गांव है कैसा कैसा नहीं। अरे तो गांव में जो विकास नहीं हुआ, इससे भी गांव के लोगों में नाराजगी बिल्कुल किसानन की है, करके दिया। बीजेपी के पास 3 मुद्दे रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बताइए। मुजफ्फरनगर, कैराना, अब इन्हें लेट होते हैं। कल परसों योगी जी कह रहे हैं शिमला बना देंगे मई जून में। बाबा हमारा तो खून ही गर्म है, हमारा ठंडा कराएगा खून। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? लखविंदर। लखविंदर, अच्छा तुम्हारा नाम क्या भाई? कुलदीप चौधरी। तुम भी वोट वोट डालते हो क्या? क्यों बना घूम रहे हो सड़कों पर? वोट है? पिछले बार डाला था? किसको डाला था बीजेपी पिछले बार? बीजेपी। इस बार क्यों दोगे नल को? अच्छा अच्छा, किसानों की पार्टी है। और क्या मुद्दे हैं गांव के? कुछ नहीं किया है। अब कल क्या तुम्हारा नाम? मेरा नाम जयदेव। जयदेव, तुम क्या कर रहे हो? मैं आर्मी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हो? वोट पिछली बार डाला था तुमने? आपके डालूंगा। पहली बार वोट बना है तो किस पार्टी का वोट दोगे? क्यों दोगे? आरएलडी देंगे जी, जयंत चौधरी अपने। अच्छा, तो आरएलडी का प्रत्याशी कौन है? आरएलडी प्रत्याशी हमारे बढ़ाना। तो और ये लोकल प्रत्याशी, उसको वोट नहीं दोगे? बीजेपी वाले को वोट नहीं करोगे? क्या कर रहे हो तुम? आर्मी तैयारी कर रहे हो? तो क्या गाँव के मुतना है तुम्हारा? क्या रुझान है गाँव में? आरएलडी क्यों देखो भाई? आरएलडी वो अपनी पार्टी है जी, किसान पार्टी है। अच्छा, हमारी सुनेगी? अच्छा, तुम्हारी सुनेगी? तुम्हें भरोसा आरएलडी तुम्हारी बात सुनेगी? भरोसा जी सुनेगी।
किसान का बेटा, हमारे नसीबत किसकी सुने। अच्छा, तो पूरा विश्वास है जी। जी एक बात कहना चाह रहे हैं, किसान विरोधी पार्टी है। पिछले साल का बजट एमएसपी पे 24,800 करोड़ रुपया आया। अच्छा, अब 23,700 अच्छा कर दिया, घटाया 1,000 करोड़ तो ज्यादा घटाया। क्या है, एम एस कुछ भी ना दिया किसान ने, क्या कर दिया। गांव के युवाओं के विचार थे जो सड़कों पर फौज की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं। गांव के बच्चों का ये कहना है कि वह किस प्रत्याशी को देंगे वोट, ये आपने सुनी लिया होगा। अब गांव में मैं चलूंगा, गांव के बुजुर्गों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं गांव के लोग। लगातार मेरे साथ बने रहें दोस्तों। अभी आपने गांव के युवाओं के विचार राह चलते सुने, क्या कहते हैं गांव के लोग। मैं गांव मतना में हूं, बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुद्दे गांव के हैं, किन मुद्दों पर, किस प्रत्याशी को क्यों गांव के लोग वोट करेंगे। मेरे साथ ये गांव के लोग हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी अनिल कुमार। अनिल जी, ये गाँव में किस कैसा कौन कौन प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने, पहले तो ये बताइए। देखो, प्रत्याशी तो सभी पार्टी के आ रहे हैं। हाँ। तो क्या गांव के मुद्दे, समस्याएं क्या रही हैं, क्या अब तक जो लोग यहां चुने गए उन्होंने गांव की समस्याओं का समाधान किया है नहीं? देखो किया? ऐसा है, सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या। जी 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 जी। कई जो सांड घूम रहे हैं, कई इन पे ऐसा अटैक कराया है कि मुश्किल से बचे। हाँ। जी 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 जी। किसान बहुत परेशान है, रात दिन में अपना काम करें, रात भर खेत में रखा है। छोटी छोटी काश्तकारी है। जी जी जी। और जो वे सब आप चल के देख लो, सब मूट दिए खेत। अच्छा अच्छा, तो ये आवारा पशुओं की समस्या है। दूसरी बात, जो नौजवान हैं जी, उन्हें सड़क फोड़ते कई साल होगी, उनकी ओवरेज होगी। किसी की कोई नौकरी ना, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी अहम है। अच्छा, तो अब ये समस्या है, ये मुद्दे गांव के हैं, इन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, तो कौन लगता है कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी आपके इन मुद्दों को, समस्या को समाधान कर सकती है? देखो ऐसा है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी जी जी। जब सरकार परिवर्तन होगी तो नए ऑप्शन लेकर आवेगी। जी जी जी। कंपटीशन का कि मेरिट पे जो परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन। प्रत्याशी का माहौल है गांव में, किसको आप किसको वोट करेंगे? देखो जी, हम तो जो गठबंधन को वोट करेंगे। अच्छा। हाँ। और गांव में कैसी हवा चल रही है? गांव में ठीक है, कुछ हर तरीका के हों। अच्छा। जब चुनाव हो तो चुनाव ही है। हाँ। अच्छा जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? इंदरवीर जी। क्या करते हैं आप, खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी। अच्छा अच्छा, तो क्या आप किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो गठबंधन को देंगे। क्यों गठबंधन को क्यों देंगे, क्या बात है? अच्छे काम करेगी दूसरी सरकार आ गई। अच्छा, अच्छे सरकार करेगी, उम्मीद है कि अच्छे से काम करेगी सरकार। पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? हमने तो आरएलडी दी पिछली बार भी, इस बार भी आरएलडी को देंगे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या? बाबूजी आपका? मान सिंह जी। जी। तो क्या किसान हैं आप भी? बिल्कुल। किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों करेंगे, बताइए। सही ढंग है या ठीक पार्टी है? कौन सी ठीक पार्टी? आरएलडी। हाँ। कैसे जाना ठीक पार्टी? अच्छी है अब पार्टी और जाने की। अच्छा अच्छा, देखी भारी है। हो। जी जी, आपका बाबू जी क्या नाम है? जयवीर जी चौधरी साहब हैं आप भी। हाँ। तो ये किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों करेंगे, बताइए जयवीर जी। हम तो आरएलडी वोट करेंगे अपनी, और जो है हम या पार्टी तो दुखी है। क्यों दुखी है, क्या कर दिया इस पार्टी ने? या पार्टी ने कोई कहीं सुनाई नहीं, एमएलए कोई सुने नहीं। अच्छा, और गान बिजारन ने हम परेशान ने खेत। अच्छा, ये दूसरी पार्टी सुन लेगी ये भरोसा आपको? वो भरोसा सुनेगी। देखिए दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं एक किसान, अपनी ये भैंसा बुग्गी लेकर के आ रहे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कलुआ नाम है मेरा। कलुआ नाम है, किसानी करते हैं। खेत से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं। तो भाई साहब, क्या किस पार्टी को वोट करेंगे, क्यों करेंगे, बताएं? चौधरी साहब को, जयंत चौधरी। हाँ जी। तो चौधरी हैं आप इसलिए? जी नहीं, मुद्दे इन पे करेंगे काम। अच्छा, क्या मुद्दे इन पे करेंगे काम? 5 साल में यहाँ विधायक जी एक दिन नहीं आए। जी 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 जी, 5 साल एक खरंजा लगा नहीं। किसी कितने बच्चे डोले हैं, किसी के बारे में सोचा है इन्होंने? तो किस बात पे वोट करेंगे इनको? अच्छा, तो आरएलडी को वोट करेंगे जी। तो आपको भरोसा है कि आरएलडी का प्रत्याशी कतई पूरी मदद करेगा? कतई। सारे लोग गांव के, देखिए राह चलते, हम उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं है जो दुनिया भर के चैनल दिखा रहे हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं। ये राह चलते हुए लोगों से सीधे सपाट बयानी, क्या कहते हैं गांव के लोग। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं बहुत आरएलडी। नहीं, नाम क्या है आपका? संजय कुमार जी। कहाँ से आ रहे हैं साहब? बाइक पे? खेत पे से आ रहे हैं जी। तो भाई साहब, आरएलडी को वोट चौधरी साहब हैं जी? तो वोट चौधरी साहब हैं इसलिए आरएलडी को? नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसा है? ये भाजपा सरकार ने मरवा के घेर दिए। अच्छा। कोरी गाय ढोल दिए खेतों में। अच्छा। हाँ, कोरी गाय बिजार ढोल दिए, पूरे गेहूं ने खा गई। अच्छा अच्छा। हाँ, अब योगी जी एक दिन नहीं आए दौरे पर।
ना धीरेन्द्र आया। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोरे के सारे गेहूं खा गए। और बहुत सारे लोग गांव के मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जो अम्मा बैठी हुई हैं, अपनी खड़ी हुई हैं अपने घर के सामने। अम्मा ना, राम राम अम्मा। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? बलबीरी। बलबीरी, तो अम्मा वोट डालती हो? गेट दूँ। अच्छा अच्छा, तो किस किस पार्टी को वोट देंगी इस बारे बताऊँ? नाम पता बटन दब जाएगा वाइफ दे। वही बस, कोई भी बटन दबा देगा कोई भी। अच्छा, और ये महिलाएं अपने यहाँ बुग्गी पर काम कर रही हैं। देखिए यहाँ गांव में तमाम महिलाएं पुरुषों के साथ साथ काम करती हैं। चौधरी बाहुल्य गांव है। जी जी बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? रजनी देवी। तो वोट डालती है रजनी जी? हाँ डालती। हर बार डालती है? किसी बार डाली? हर बार डालते। तो किस पार्टी को वोट देंगी आप? नले दे देंगे। नले देंगी? हाँ। क्यों देंगी नल को? कोई खास बात है नल में? अब काम ऐसा ही हो रहा है तो नले ही दे देंगे। नल को ही दे देंगे। हाँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सो बलधारी। चौधरी बलधारी सिंह। अच्छा अच्छा, तो गांव मुतैना है आपका? गांव मुतैना। अच्छा, तो ये गांव में क्या माहौल चल रहा है? वोट किस मुद्दे पर देंगे गांव के लोग इस बार? वोट आप कहता चौधरी अजीत सिंह के लड़का को, जयंत को देंगे हम। अच्छा क्यों देंगे? खास बात क्या है? खास बात ये है कि उन्होंने पहले भी काम कराए। अच्छा उन्हें जी, और अब भी हमें उन पर भरोसा। तो पिछली बार किसको दिया था वोट आपने? पिछली बार बीजेपी दिया, पर अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी ने काम नहीं किया? नहीं करा बिल्कुल भी। तो एक और ये किसान भाई अपना देखिए खाद लेकर के आ रहे हैं, और ये आए हैं और कहीं खेतों से। जी साहब, क्या नाम है आपका? बाबू जी सतपाल जी। सतपाल जी, गाँव मुतैना है आपका? पारसोल। पारसोल है तो आपके, चलो पारसोल की बात कर लेते हैं। क्या रुझान है पारसोल में? जयंत को। जयंत को क्यों है? जयंत का माहौल थोड़ा सा कोई खास बात? किसान किसान है तेजी। किसान है तेजी पार्टी है? हाँ। अच्छा, और रियल मास्टर। अच्छा मास्टर जी, तो क्या रुझान है गांव में? किस पार्टी को वोट देंगे, क्यों देंगे बताइए? हम नेता हमारा। अच्छा नेता है, और इसलिए भड़ाना। हाँ। अच्छा भड़ाना आपका नेता है, और तो भड़ाना कुछ काम करेगा यहाँ? कुछ ये भरोसा है आपको? हाँ करेगा, जब वोट देंगे तो करेगा। वोट देंगे तो गाँव में ज्यादातर वोट उसको देंगे क्या? हाँ। बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हो आप? बढ़िया काम किया है योगी जी ने। आया ही ना 5 साल तक। अच्छा हाँ, जब हमारे हैं वहाँ 5 साल तो आया ही ना, तो क्या करे बता। क्या नाम है बाबूजी आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, गांव मुतैना के रहने वाले हैं। तो गांव में क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं किन मुद्दों पर गांव के लोग इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे? भाई हमें कोई पता ना, हम तो अंधे धंधे आदमी भाई। अच्छा अच्छा, वोट डालते हैं? वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे, क्यों डालेंगे? जाके तुम गिरवाओगे वही डालेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं। क्षेत्र में बात कर रहे हो आप अपना मन बताइए, किसको वोट डालेंगे हम पे? तुम काई की दिवाली नहीं, हम अरे मैं नहीं, मैं अपनी बात बताइए, किसको वोट डालेंगे? नमस्कार। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम है बाबूजी आपका? जति। जति नाम है आपका, बहुत बढ़िया नाम है आपका। तो गांव मुतैना है आपका भाई साहब? हाँ। तो ये चौधरी साहब हैं आप तो? हाँ। तो चौधरी साहब, ये बताइए कि ये आपका चौधरी बाहुल्य गांव है, और क्या रुझान है गांव के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? ये करेंगे चौधरी यही वोट। चौधरी कौन सा? चौधरी को? जयंत को। अच्छा क्यों? तुम चौधरी हो इसलिए चौधरी को वोट करोगे? ना, यह सरकार ने परेशान कर दिए विकट। अच्छा हाँ, सरकार बदलनी है, कोई काम कराया नहीं, कोई विकास नहीं। तुम्हें तार दिखाऊं? हाँ तार। 5 साल हो गई विधायक कहता कहता है, यहाँ हाल सा रोज हो, वो टूट के गिरे मकई ने बदलवा दे, आज तक नहीं बदलवाए तार। दो बेर बस भर भर के वहाँ चले गए विधायक के दोहरा ऊपर धीरेन्द्र के। अच्छा। ये तार न बदले, इतना मालदार गांव समझ लिया याने भाजपा ने, ये कहे हमने शौचालय बना दिया पूरे देश में, हमारे गांव में एक भी शौचालय बना हो। अच्छा। तो वे हमें जवाब दे दे भाजपा मोदी, एक भी शौचालय गांव में बना हो आपको शौचालय गरीब का भी, तो हमें जवाब दे हुए भाई गांव में खरंजा बन गए, हमारे गांव में खरंजा भी ना। चलिए चलिए, और भाई साहब किसको देंगे अब? अब तो याद आएंगे गठबंधन है। गठबंधन है? हाँ। आपको भरोसा है गठबंधन का प्रत्याशी कुछ काम करेगा आपके यहाँ? करेगा न करेगा तो हम तो बदलेंगे सरकार है, जब यहाँ कुछ कर ही ना तो बदलेंगे। चलिए चलिए, करते हैं खेती किसानी, करते हैं कुछ काम। हाँ, खेती किसानी। तो प्रवीण जी, गांव की समस्या क्या है, किन समस्याओं पे किन मुद्दों पे गांव के लोग वोट करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी की इसी कहूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बीजेपी ने खूब काम करवाए, कौन सा काम ना करा? अच्छा अच्छा अच्छा, काम करवाए हैं बीजेपी ने, अच्छी बात है। रोड बीजेपी में आके सब बन गए, भैंसन की चोरी रुक गई, बहन बेटी बहू जो रास्ते पर कभी भी रात में भी जा सकती है,
कभी भी निकल गए। विकास खूब हो रहा है, खूब हो रहा है। अच्छा आपका नाम? लाइट 24 घंटा आ रही है। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी मोतेना गांव से, आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान।